हेलो दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम है आपका इंडियन पिटारा पर। आज आपके सामने जो वीडियो प्रस्तुत है ये है अलमेंट नाम की कविता के ऊपर। अलमेंट पर्सी बिश शैली द्वारा लिखी गई रचना है और ये कविता आपको यूपी बोर्ड की 12वीं क्लास का जो अंग्रेजी का सिलेबस है उसमें पढ़नी पड़ती है। इस नाम की एक दूसरा वीडियो भी हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, लेकिन वो काफी पहले अपलोड हुआ था और बिना किसी एडिटिंग के अपलोड हुआ था, तो उसमें कई जगह पे पॉजेज हैं, जैसे रुक रुक के बोलना और रिपीट्स हैं, कई बार शब्दों का जो दोहराना होता है। तो आप में से कई ने मुझे लिखा कि वीडियो जो है थोड़ा स्लो है, तो इसीलिए इस अपडेट को बनाने की जरूरत पड़ी। पर्सी बिश शैली का जन्म अगस्त 1792 में हुआ था और इनकी मृत्यु जुलाई 1822 में हुई थी। काफी यंग एज में इनकी मृत्यु हुई है, ये सिर्फ 29 साल के थे, लेकिन अपने जीवन काल में इन्होंने जितनी शोहरत और जो मुकाम पाया वो सचमुच बहुत ही सराहनीय है। ये रोमांटिसिज्म जो सौंदर्यवाद होता है उस शैली के कवि थे और इसके साथ ही बहुत ही प्रभावशाली पोइट्स में इनका नाम आता है। अपने जन्मदिन से सिर्फ एक महीने पहले शैली जो है एक नाव में लैरिसी नाम की जगह को जा रहे थे, जहां पे इनकी जो बोट है उसका एक्सीडेंट हो गया और ये डूब गए। लेकिन कई लोग ये भी मानते हैं कि ये जो एक्सीडेंट था ये वाकई ऐसा हुआ नहीं था, इन्होंने खुद अपनी जान ले ली थी, क्योंकि ये बहुत ही डिप्रेस्ड थे, बहुत ही दुखी थे। तो लोगों की धारणाएं अलग अलग हैं इनके बारे में कि इनकी मृत्यु कैसे हुई। और ये जो पोएम है, ये शैली की जो दूसरी पोएम्स हैं उसके अनुसार ये भी एक निराशावादी पोएम है। इसमें जरा सी भी आशा नहीं है जो आपको कविता में देखने को मिले। कविता में दुख है, पीड़ा है और जो खो गया मतलब जो पास्ट है उसके लिए वेदना है, और जब आप पढ़ते हो तो ये वेदना आप भी फील करते हो। तो ये जो है पोएम के बारे में है। और इस कविता की समरी ये है कि कवि जो है अपने पास्ट को देखते हैं, जो समय बीत चुका है उसको देखते हैं, और उस बीते समय के जो दिन थे, जो समय था, जो पल थे, वो पोएट को लगता है बहुत ही सुखी थे, बहुत ही खुशी देने वाले थे। और वो पल जब अब आते हैं वर्तमान में, प्रेजेंट में, तो उन पलों में पहले जैसी बात नहीं होती। और कवि ये सोचकर बहुत ही निराश है, दुखी है कि जो समय बीत गया, जो जवानी बीत गई, वो अब लौट के नहीं आएगी। और ये जो निराशावाद है और ये जो दुख से भरा हुआ मन है, डिप्रेशन है, ये कवि को रोकता है कि वो आज का जो दिन है उसको एंजॉय करे। तो आज जितनी भी खुशी हो पोएट्स के आगे पीछे, वो उसको एंजॉय नहीं कर पाता। वो हमेशा उसको लगता है कि जो बीत गया वही अच्छा था, जो चल रहा है उसमें खुशी नाम की कोई चीज नहीं है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि पोएट्स की उम्र सिर्फ 29 साल थी, और 29 साल में पोएट्स को लगता है कि उसका समय जो है बीत गया है, उसकी जो जवानी है वो जा चुकी है। तो काफी कुछ डिप्रेशन में जब इंसान होता है उस तरह की फीलिंग है। तो चलिए देखते हैं कविता की लाइनें क्या कहती हैं। तो पहली लाइनों में कवि कहता है, ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन विच लास्ट स्टेप्स आई क्लाइम, जिसकी लास्ट सीढ़ियों पे स्टेप्स मैं चढ़ रहा हूं। मतलब जीवन का जो चढ़ाव है वो पूरा होने वाला है, जिंदगी जो है खत्म हो चुकी है और उस जीवन की लास्ट सीढ़ियों पे मैं चढ़ रहा हूँ। ट्रेम्बलिंग एट दैट वेयर आई हैड स्टूड बिफोर, ट्रेम्बलिंग मतलब शेक कर रहा हूँ, मुझे कपकपी सी छूट रही है, कांप रहा हूँ मैं उस जगह पे आके जहाँ की मैं पहले भी आ चुका हूँ। ये कोई नई जगह नहीं है मेरे लिए, जीवन में चलते हुए मैं पहले भी इस मुकाम पे आया हूँ, इस समय पे आया हूँ, लेकिन आज आते हुए इसी जगह पे मुझे डर लग रहा है। वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, जो ग्लोरी है लाइफ की, जो महिमा है, जो उत्कर्ष है, जो सबसे अच्छी जगह है लाइफ की प्राइम, वो कब लौट के आएगा। तो कवि यहाँ पूछ रहा है, नो मोर ओ नेवर मोर, और कह रहा है कभी नहीं आएगा, अब कभी ऐसा नहीं होगा। मतलब जो समय जा चुका है, जो मेरे हैप्पी मोमेंट्स थे, जो मेरी हैप्पी लाइफ थी, जो मेरी जवानी थी, वो अब जा चुकी है, अब वो कभी लौट के नहीं आएगी। आउट ऑफ द डे एंड नाइट अ जॉय हैज टेकन फ्लाइट, जीवन कि इन दिन रातों में जो खुशी थी, जोए, वो जा चुकी है, टेकन फ्लाइट, उड़ चुकी है, खत्म हो चुकी है। फ्रेश स्प्रिंग एंड समर एंड विंटर हो, और ये जो ताजा बसंत है, जो खुशनुमा बसंत है, ये जो खुशनुमा समर, जो गर्मी है, और ये जो
सर्दी की विंटर हो, जो सफेद या राख के कलर का मौसम होता है चारों तरफ, ये जो चीजें हैं, मूव माई फेंट हार्ट विद ग्रीफ, ये मेरे बुझे हुए दिल को, फेंट हार्ट, दुख के साथ मूव करते हैं। ग्रीफ मतलब दुख, और मूव करते हैं। तो ये जो भी चीजें हैं जो फैली हुई हैं मेरे आसपास, ये जो बसंत है, ये जो गर्मी का मौसम है, ये सर्द और सफेद चीजों से ढकी हुई जो सर्दी है, ये मेरे मन को और भी दुखी बनाते हैं। बट विद डिलाइट, नो मोर और नेवर मोर। और ये जो चीजें हैं मेरे दिल को अब कभी आराम नहीं देंगी, खुशी नहीं देंगी, डिलाइट कभी नहीं, ओ कभी नहीं, और ऐसा अब कभी नहीं होगा। तो जितनी भी चीजें हैं प्रेजेंट में चलती हैं, जब पोएट की आंखों के आगे आती हैं, तो ये चीजें भी, चाहे वो बसंत हो, चाहे वो गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, पोएट को अब दुखी देती हैं, खुशी नहीं देती। तो दोस्तों, देखा आपने कि बहुत ही पैसिमिस्टिक कविता है। पास्ट में जो आदमी रहना चाहता है और जो कभी प्रेजेंट को एंजॉय नहीं करता, उस थीम की कविता है। तो होपफुली आपको इस कविता को समझने में आसानी हुई हो। कविता के बारे में अपनी राय जरूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही आपसे एक नई वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए गुड बाय।